वंदे लोकतिलकम् सत्तदवार्तविभूषणम् अमरकोटिशारणम् प्रबुद्धम् लोकजीवनम् प्रणय प्रमद जागदीपनम् वंदे जीवन जीवनम् सत्पुरुषम् परम दयाल परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंदन को श्री चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव एवं इष्ट परिवार सभी को श्री चरण तले मन अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करुछि। आजिकार ए पुण्य पवित्र आभासी सत्संगर पूज्य वरेण्य संचालक महोदय परम सम्माननीय ऋतिक देवता श्रीयुक्त संजीव कुमार नायक दादा तांको मोर आंतरिक रा जयगुरु एवं प्रणाम निवेदन करुछि। तत्सहित आज पवित्र सत्संग रे संयुक्त होइथिबा समस्त पूज्य वरेण्य ऋतिक बृंद अदृत्य बृंद जाजक बृंद सम्मानास्पद गुरु भ्राता बृंद स्नेहमयी मातृमंडली सत्संग प्रेमी साधुसुदी बृंद कुनि कुनि बुलाए समस्त मोर अंतर प्रीतिपूर्ण रा जयगुरु एवं यथाज्य प्रणाम निवेदन करिया संगे संगे समस्त स्वस्ति शांति आनंद मो जीवन सकाशे प्रिय परम निकट में मोर एकांत प्रार्थना निवेदन रखुचि। आज मोर परम सौभाग्य जे पुनराय यही पवित्र सत्संग मंच में प्रिय परम किसी कथा शुणवार किसी कथा कहार सुजोग मत प्राप्त होजोग मत दे मोर पूज्य संजीव दा तेणु पुनराय मोर हृदय गभीरतम प्रदेश मोर कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची। विगत दुई दिन धरी गुरुपूर्णमी शुभ मुहूर्त रु आमर एक पवित्र सत्संग मंच गुरुवाद उपरे आलोचना हो आसी सर्वप्रथमे पूज्य विजय परिडादा सहप्रति ऋतिक आलोचना रखी थे तापरे गत काली आमर दीपक दादा एवं वयोज्येष्ठ ऋतिक समस्त पूज्य परेश्वर जेना दादा सहप्रति ऋतिक से मध्य आलोचना रखी थे तेबे से मानकर से आलोचनार विषय वस्तु को पाथेय करी मो एई गुरुवाद उपरे किछि कथा आगो को बढ़े नेबा पई चेष्टा करुछि। तेबे प्रभुंकर कथा पुरुषोत्तमंकर कृति आचरण सेन बुझाइले बुझे क्यों जन प्रभुंकर कथा कहिबार सामर्थ्य कार नाही तांकर दया तांकर करुणा नहले तांकर कथा किए बा कहिबो तांकर करुणा हेले उणा ब्रह्माशंकर हुअन्ति बणा तेणु तांकर कृपा तांकर करुणा को पाथय करी जत्किंचित कहिबार प्रयास करिबी। एई जो गुरुवाद ए गुरुवाद होउछि जीवन सर्वश्रेष्ठ बाद ए गुरुवाद होउछि जीवन सर्वश्रेष्ठ बाद सभ्यतार उन्मेषर उषालग्न रु अद्यावधि जिते भी बाद अभ्युदान होइछि सबु बाद मध्यरे गुरुवाद होउछि श्रेष्ठ बाद। गुरुवाद होउछि श्रेष्ठ बाद कारण एही बाद होइछि जीवन बाद एही बाद होइछि जीवन बाद। श्री श्री ठाकुर कहुछन्ति जे बाद तुम हेनावादी असल तुम जीवनवादी असल तुम जीवनवादी जीवन को जदि करिब कायम चसी चल जीवन भी तेणु ये गुरुवाद हूँ जीवन बाद जीवन को जदि आम कायम करने चाहिबा ताहले ए गुरुवाद भीतर देकर ही जीवन टाइम कायम हबो एटा हूँ प्रगतिर बाद एटा हूँ समृद्धिर पाद एटा हूँ ऐक्यर बाद एटा हूँ विवर्तनर बाद विवर्धनर बाद सर्वोपरि यही गुरुवाद हूँ पूर्णतार बाद गुरुवाद हूँ पूर्णतार बाद तेणु मनीष यही गुरुवाद भीतर दे समृद्ध हुए संहत हुए विवर्तित हुए संवर्धित तो हुई तेणु अखिल विश्व ब्रह्मांडर मालिक जे चराचर विश्व ब्रह्मांडर मालिक जे से ही गुरुपद वाच्य जीवन रे धरी चलिबा भीतर दे मनीष जीवन रे संघत हे उठे समृद्ध हे उठे मनीष
जीवनवर्धन पथर पथिक हो उठे। तेणु से जेते बड़े आसंती नर रूप से धरावतरण करती सेते बड़े से ही प्रकृत गुरु हूँ से ही प्रकृत गुरु हूँ तांक व्यतिरे अन्य केही मध्य गुरुपद वाच्य नुहंती। तेना आदि शंकराचार्य से कहले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु होती ब्रह्मा गुरु होती विष्णु गुरु होती महेश्वर गुरु होती से परम ब्रह्म सुप्रीम ब्रह्म तांको मु प्रणाम करुच्छे। आदि शंकराचार्य एक कहले एवं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद कहते जे गुरु ही भगवान साकार मूर्ति से ही एब्सोल्यूट बा अखंड गुरु ही भगवान साकार मूर्ति से निराकार परम ब्रह्म पुरुष जिते बड़े धरावतरण करती से ही प्रकृत गुरु पदवाच्य व्यतिरे अन्य कहीं मध्य गुरु पदवाच्य नुहंती। तापरे श्री ठाकुर पुणी कहते जे जहांकर सेवा साहचर्य अनुरतिर सहित अनुसरण मनीषर जीवन जश वृद्धि क्रमोन्नत करी तले से ही इष्ट आदर्श बा गुरु। तेणु जहां को जीवन रे ग्रहण करिया भीतर दे मनीष समृद्ध हुए संघत हुए उन्नत हुए पवित्र हो उठे से होचंदे इष्ट गुरु बा आदर्श इष्ट गुरु बा आदर्श। तेणु से जुगे जुगे धरावतरण करती एवं ए गुरुवादर परंपरा यही सभ्यतार आरंभ रु पृथ्वीर आरंभ रु रही एपरिकी स्वयं भगवान भी जिते बड़े आसंती सेते बड़े तांकु मध्य गुरुग्रहण करिवा को पड़े। कारण आपनी आचरी धर्म जीवेर शिखा से आचरण करती एवं मनीष को शिखे दियंती बतई दियंती देखे दियंती जीवन जीवन बर्धन पथ कौन जीवन बर्धन पथ कौन से निजे आचरण करती एवं मनीष को आचरण करने था। तेणु से निजे गुरुग्रहण करती प्रभु रामचंद्र ठार आरंभ कर वर्तमान पर्यंत समस्त तथागत बुद्ध जी भी हूँ पुरुषोत्तम पैगंबर समस्ते गुरुग्रहण कर जीवन एवं आमर भारतीय व्यवस्था भितर से वैदिक भारत व्यवस्था भितर आम से गुरुवाद गुरु शिष्य परंपरा को देखा पाऊ। तेणु जीवन रे गुरु आवश्यक जीवन रे गुरु आवश्यक तेबे गुरु किए से कथा आदि शंकराचार्य कहले ठाकुर मध्य कहले जे गुरु होंगे भगवान साकार मूर्ति आ से ही एब्सोल्यूट बा अखंड। पुणी ठाकुर आलोचना प्रसंग में कहते जे गुरु होती सद्गुरु गुरु होती सद्गुरु गुरु से होती सद्गुरु अर्थात ब्रह्मविद जनकों पर ठाकुर कहते ब्रह्मविद जनकों पर जहां पाखक मुनि ऋषि मैंने आसुले आत्म उन्नयन पर मुनि ऋषि माने मध्य जनकों पाख को जाऊले आत्म उन्नयन पाई जेहेतु से सद्गुरु ठाकुर आलोचना प्रसंग में कहते तेणु मनीषर आत्म उन्नयन पाई मनीषर सर्वांगीन उन्नति पाई जीवन रे से गुरु बा सद्गुरु दरकार। सद्गुरु बिना मनीषर उन्नति हब ना एवं पुणी ठाकुर कहते जे विपद काल हाथ धरी जी चलवा कायदा शिखाई दिए तांकु ही जानी था गुरु बोली अभय पथरे से तो निए। तेणु मनीषर जीवन को सुरक्षित संरक्षित करती विपद समय रे प्रकृत पथर प्रदर्शन करी थांदी गुरु एवं मनीषर जीवन को सुरक्षित करती मनीष को अभय पथरे नहीं जाती। तेणु से होती गुरु गु एवं रु अंधकार आलोक को जी नहीं जाती से होती गुरु।
जे आसिले मनिषर गुरुत्व बढ़ी जाए से होचंती गुरु जहां को जीवन रे ग्रहण करिया भीतर दे मनिषर वैल्यू मनिषर मूल्य बढ़ी जाए मनिषर गुरुत्व बढ़ी जाए से होचंती गुरु तेणु सेपरी गुरु आउ के ही नुहंती से होचंती से अखिल विश्व ब्रह्मांडर मालिक स्वयं रचयिता से सर्वशक्तिमान ईश्वर ही होचंती आम समस्त गुरु तेणु तांकु जीवन रे ग्रहण करी चलिले मनीष जीवन गुरुत्व बढ़ी जाए मनीष जीवन मूल्य बढ़ी जाए मनीषर व्यक्तित्व विकास घटी थाए मनीषर व्यक्तित्व विकास घटे से दिन पूज्य केष्टदा ठाकुर को प्रश्न करुछंती ठाकुर आउ भगवान को मनीष बोली भाविबा निषेध कहीं से श्री ठाकुर कहते जे सेपरी हेले आकुति कमी जाए सेपरी हेले अर्ज कमी जाए ता बोली अमणीष भाविबा भी ठीक नुहे कारण मनीष जदि सेपरी भावे एवं तांकर दुख कष्ट रे तांकर दुख कष्ट रे निराकरण करिवा पाए चेष्टा करे नाही जेपरी तार प्रियजन क्षेत्र रे करी थाए ताहा हेव भंडामी तेणु भल पाइबा भीतर दे जेपरी करिबा को हुए गुरुंक पाए मध्य सेपरी करिबा उचित मु जेपरी मोर पुओ झियंकु भल पाए एवं तांको पाए मोर अंतर कांदे तांको पाए सबुबेले करिबा पाए मु व्यस्त थाए विव्रत थाए व्याकुल थाए ठीक सही परी मोर गुरुंक मध्य मोर गुरुंक पाए मध्य तांको तृप्त करिबा पाए तांको आनंद आनंद देबा पाए तांको खुशी करिबा पाए मोर अंतर मध्य सबुबेले व्यस्त विव्रत थिबा दरकार मोर भितरे मध्य एक उदग्र व्याकुलता थिबा दरकार तेबे जाई से हेबे गुरु एवं आमे हेबु शिष्य जदि से व्याकुलता न थाए तांको प्रीत करिबार जदि व्याकुलता न थाए मनीष भितरे ताहेले मनीषर प्रकृत उन्नति कदापि मध्य संभव कदापि संभव तेणु गुरु से गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर से सब किछि तेणु तांकु जीवन रे धरी चलिबा को ये होचंति गुरु तापर आसिला गुरुवाद तांकु धरी चलिबा ही होचि गुरुवाद किछि मनीष जुक्ति तर्क करिथांती जे जीवन रे कोनो गुरु ग्रहण करिबा आवश्यक अछि बा गुरु को ग्रहण कले ही जे मनीष जीवन रो उन्नति हबो मनीष समृद्ध हे उठिबो आउ गुरु ग्रहण न कले सीटा हबो नाही सेपरी किछि अछि कि बा जदि बा गुरु ग्रहण करिबा को हुए ताहले प्रभु श्री कृष्ण प्रभु श्री रामचंद्र तथागत बुद्ध रसुल महम्मद जीशु ख्रीष्ट को बा काहीकि आमे गुरु पदरे वरण करिबा कोनोसी अल्टरनेटिव अन्य कोनोसी विकल्प कोनो नाही एपरी अनेक अनेक जुक्ति तर्क आकु मिले तेबे समस्त जुक्ति तर्क रो गोटे उत्तर दिया जाई पारे जे आज सारा विश्व रे जहां भी समृद्धि हेछि जहां भी उन्नति हेछि से मनीष जीवन मनीषर व्यक्तिगत जीवन ठारु तार अंतरराष्ट्रीय जीवन पर्यंत देशर समाजर सारा विश्वर ए पृथ्वी सृष्टि हेबा दिन ठारु जहां भी उन्नति हेछि जहां भी अचीवमेंट हेछि तार अंतराल रे आमे जदि चाहिबा तार पश्चात्पट रे गोटे जिनिष अछि ताहा हेउछि एक प्रीति प्रेरणा लव इंस्पायरेशन आज जहां भी आमर अचीवमेंट हेछि से प्रभु रामचंद्रंकर से राम सेतु समुद्र उपरे
राम सेतु बंधन कथा कहतु, ताजमहल कथा कहतु, इफेल टावर कथा कहतु, बुर्ज खलीफार कथा कहतु, लिबर्टी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कथा कहतु, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कथा कहतु, से होमरंकर इलियाड बा ओडिसी कथा कहतु, मिल्टनंकर से पाराडाइज लॉस्ट कथा कहतु, किंबा से चंद्रर अभियान कथा कहतु, बा मंगलर अभियान कथा कहतु, बा अब्दुल कलामंकर से अग्नि मिसाइल कथा कहतु, किंबा महर्षि वाल्मीकिंकर से रामायण कथा कहतु, व्यासदेवंकर से महाभारत कथा, प्रत्येक पछरे पश्चातपटरे केउठी ना केउठी से प्रीति प्रेरणा कार्य करे, प्रीति प्रेरणा कार्य करे, लव इंस्पायरेशन काम करे, कहा को ना कहा को भल पाई कहा द्वारा प्रेरित हो यही सब अचीवमेंट हो सारा विश्व आज जिते भी अर्थनैतिक उन्नति होती जहाँ भी आज संगठित हो तार अंतराल रही प्रीति प्रेरणा नचे मनीष किसी उन्नति करना किसी हासल करना जीवन में जदि मनीषर जीवन में से प्रीति केन्द्र ना एक लव सेंटर दरकार तेणु श्री ठाकुर अनुकूलचंद कहते जीवन एक लव सेंटर दरकार प्रीति केन्द्र दरकार एवं से प्रीति केन्द्र को प्रीत करने खुशी करने खुशी कर गरज मनीषर अंतर भितर एक व्याकुलता दरकार तद्वारा जहाद्वारा कि मनीष असंभव को संभव कर पारे सब असाध्य को साधन करे पर्वत को मध्य लंघि जाई पारे समुद्र को मध्य पहरी जाई पारे संतरण करी जाई पारे से प्रीतिकेन्द्र को प्रीत करिवार उदग्र गरज रे मनीष सब असंभव को संभव करे से दिन अर्जुन जदि विश्वर श्रेष्ठ धनुर्धर हो पारी तार पछरे रही गुरु द्रोणंकर से प्रीति प्रेरणा जदि अर्जुन से दिन महाभारत युद्ध रे विजयी होती तार अंतर रही प्रभु श्रीकृष्णंकर से प्रीति प्रेरणा से दिन स्वामी विवेकानंद जदि सनातन हिंदू धर्म विजय वैजयंती सारा विश्व रे उड़ियन करिछंती तार अंतर रही प्रभु रामकृष्ण देवंकर से प्रीति प्रेरणा से दिन जदि हनुमान सब असाध्य को साधन करतर रही प्रभु रामचंद्र से प्रीति प्रेरणा बा प्रभु रामचंद्र को खुशी करार उदग्र लालसा तांको असाध्य साधन करिवारे सहायक तांको भीतर अपुरंत शक्तिर संचरण करी तेणु ये प्रीति प्रेरणा देवाई जड़े प्रीति केन्द्र दरकार लव सेंटर दरकार जहां को कह जाए गुरु इष्ट बा आदर्श बा पुरुषत्व तेणु असाध्य साधन आज जी संसार ताले तार एकमात्र कारण से प्रीतिकेन्द्र से इष्ट गुरु पुरुषोत्तम तांक व्यतिरेक से गुरु तांक व्यतिरेक ये असाध्य साधन कदापि संभव नुहे से दिन से माउंटेन मैन कथा आम समस्ते जानती दशरथ मांझी बिहार गया जिल्लार केहलोर ग्रामर से मुसहर जातिर व्यक्ति जार स्त्री गर्भावस्था रे पहाड़ रु खसी से रक्ताक्त होती क्षतविक्षत होती जिते बड़े निकटवर्ती हॉस्पिटल जहाँ कि से ग्राम रु 55 किलोमीटर दूर ताको निया जाऊँ से समय रे से गोटे झील को जन्म दे मरी जा एथिरे से दशरथ मांझी भितरे एपरी एक शक्तिर संचरण जेहेतु तार से स्त्री को से खूब भल पाए तेणु तार मन भितरे एक प्रतिज्ञा आसी जे एई पहाड़ जोगु मोर स्त्री को मो ठीक समय रे हॉस्पिटल रे पहुंचे पारले नाही एवं तेणु तार मृत्यु हो जाए तेणु पहाड़ को मो काटी रास्ता तैयारी करी ए भीष्म प्रतिज्ञा से दिन से नहीं एवं दीर्घ 22 वर्ष पर्यंत से पथर को से पहाड़ को काटी 30 फुट ओसारिया 350 फुट दीर्घ एक रास्ता तैयारी करछी असंभव को से संभव कर दे तार एकमात्र पछरे थिला
तार स्त्री प्रति से प्रेम से प्रेम से प्रीतिर प्रेरणा रे से असंभव को संभव कर दिन पूज्य रेवती दा 1970 मसीह जेकि जाइले श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र भावादर्श उपरे पीएचडी करिवा पाए अमेरिका न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी रे से ठाकुर भावादर्श उपरे पीएचडी करिछंती जीवा समय रे तांको पॉकेट रे थिला मात्र $13 यूनिवर्सिटी रो फीस हजार हजार डॉलर तांको देबा को पड़ी तेबे से एत गुड़ाई टंका कौटी संग्रहित किपर भाव से तीन वर्षर पीएचडी कोर्स को मात्र तीन मास भीतर समाप्त करपर भाव से न्यूयॉर्क सिटी रे अमेरिका रे भिसा पाई से सब जो गाथा ता मनीषर द्वारा संभव नुहे ता चिंता कले मनीषर चिंता चेतना मध्य अकर्मण्य हो जाए ता केवल संभव है से प्रीति प्रेरणा प्रिय परम को भल पाइवा भितर दे परम पूज्यपाद श्री श्री बलदा प्रीति प्रेरणा रे से असंभव को संभव कर तेणु मनीष जीवन रे गुरु दरकार गोटे लिविंग आइडियल दरकार जीवंत आदर्श दरकार कौन सी कास्ट बा कौन सी पाषाण मनीष को ये प्रेरणा दे पार ना तेणु ठाकुर कहते आम जी कास्ट पाषाण को गुरु बा आदर्श बोली भावी नेबा ताहले आमे तांको परी जड़वत हो जीवा तांको परी जड़ साजी जीवा निर्जीव हो जीवा जदि कौन सी आइडिया को नहीं आमे जदि चालू ताहले हुए तो आमे दिने ना दिने इडियट हो जीवा कौन सी इजम को जदि आमे नहीं चालू ताहले आमर प्रकृत जीवन बर्थन हो पारिबो नाही तेणु श्री ठाकुर कहते जे भारतर अवनति डीजेनेरेशन से ही समय आरंभ हो जे समय मनीष पाखे से ऋषि को बाद दे ऋषिवाद उपासना आरंभ हो इष्टगुरु पुरुषोत्तम को बाद दे मनीष से इजम रे जेते बड़े आबद्ध हो दिन ठार भारतर अवनति आरंभ हो तेणु डॉक्टर एलेक्जिस केरेल कहते वी नीड ए गॉड हु कैन हियर अस रेस्पॉन्ड अस एंड लव अस तेणु आम जन आदर्श दरकार करू जी कि आम कथा शुणवे प्रतिक्रिया देवे एवं आम को भल पाइबे श्री श्री ठाकुर कहते मते सेपरी भगवान आवश्यक नहीं जे मोर असुविधा समय रे गोटे राशि लड़ू मध्य पारे ना तेणु जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से दिन कही बी अवेयर ऑफ देम हुज गॉड इज इन द स्काई से मानंक प्रति सतर्क रुह जो मानंकर भगवान आकाश रे अछंती कारण जो मानंकर भगवान आकाश रे थांती से माने तांगर वृत्ति प्रवृत्ति द्वारा परिचालित हुंती वृत्ति प्रवृत्ति द्वारा परिचालित हुंती एवं निजे तो मरंती समाज को देश को सारा विश्व को मध्य से मृत्यु मुखरे नहीं रखी दियंती तेणु से मानंक प्रति सावधान रहिबा पाए से दिन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहिछन तेणु जीवन रे जने लिविंग आइडियल दरकार जीवंत आदर्श दरकार गुरु दरकार गुरु दरकार एवं तांकर से प्रीति प्रेरणा मनीष को असंभव परिवारे असंभव को संभव परिवारे सहयोग करिवारे से दिन से आपण माने समस्त जानंती से टॉमस अल्वा एडिसन जे कि इलेक्ट्रिक बल्ब रो उद्भावक सारा विश्व को जिया जे आलोकित करिछंती से छोट थिबा समय रे तांकर स्कूल रो गुटे चिट्ठी आसी मांग पाखक चिट्ठी रे लेखा अछि जे योर सन इज मेंटली वीक ही कांट कंटिन्यू इन आवर स्कूल आपणंकर संतान मेंटली वीक अछि मानसिक दृष्टिकोण रु दुर्बल अछि तेणु एही स्कूल रे से आउ पढ़ी पारिबो नाही तेणु आपण
तार अन्य व्यवस्था करनी। चिठी पढ़ी एडिसन माँ किंतु एडिसन को से कथा कही ना एडिसन बालक एडिसन जो पचारिंट माँ को माँ उत्तर दे चिठी लेखा अच्छी तुम संतान बहु ज्ञानी संतान बहु बुद्धिमान संतान तेनाली संतान को यहपरी संतान को पाठ पढ़ेबार क्षमता आमर शिक्षक मानक पाखे ना एक एडिसन माँ एडिसन को कही किंतु आखिर दीटोपा लुह से दिन तर धरी आसला से दिन एडिसन माँ मन मन संकल्प नहीं थी तांकर पुत्र को पाठ पढ़ेबा निजे से पढ़ाई पाठ तांकर प्रेमर कामुरी स्पर्श रे से एडिसन 1093 टी उद्भावन करिसंती जीवन रे शताब्दीर श्रेष्ठ वैज्ञानिक हेचंती इलेक्ट्रिक बल्ब परी एक जुगांतकारी उद्भावन से करिसंती जहां सारा विश्व को आज आलोकित करिछि। जेते बेले वृद्ध अवस्था एडिसन से पुराणा ट्रंक भितरु से चिठी पाई से पुराणा चिठी उत्सुकता बशत से चिठी को खोली देखुंट कौन लेखाही आंक विषय किंतु से चिठीर लेखा पढ़ी तर आखिर दीटपा लुह झरी तेणु माँ को कहा जाए शिशुर प्रथम गुरु से माँ को प्रति प्रेरणा गोटे माँ तार संतान को जिते भल पाए पृथ्वी एपरी अन्य कौन सी व्यक्ति तार संतान को जिते भल पाई पारे से भल पाइबार गरज रे से दिन एडिसन माँ एडिसन को पाठ पढ़े एवं तांकर से प्रीति प्रेरणा से भल पाइबार कांरी स्पर्श रे एडिसन हो उठिले ईश्वर श्रेष्ठ वैज्ञानिक श्रेष्ठ वैज्ञानिक। आ पुरुषोत्तम जो आसती इज द लव इन से प्रेमर घनीभूत रूप इज द लिविंग एम्बोडिमेंट अफ लव प्रेमर जीवंत मूर्तिमंत प्रतीक से विश्वर समस्त जीव सत्ता को से निजर अंतर दे फल पाते तेणु प्रत्येक मनुष्य को से उन्नत करने समृद्ध करने संहत करने विनायित करने श्रृंखलित करने विवर्तित करने से तांकर जीवन ढाली दिखते तेणु से इष्ट गुरु पुरुषोत्तम को जीवन ग्रहण करवा आवश्यकता रही इष्ट गुरु पुरुषोत्तम को जीवन ग्रहण करार आवश्यकता रही व्यतीरे मनिषर प्रकृत उन्नति ही पार पुणी जो धर्म शास्त्र कहुची धर्मस्य तत्त्वम् निहित गुहाय महाजन जेन कतस्य पन्था तेणु मनीष अनेक समय एपरी जिनिष करे जहा कि तार जीवन बर्धन रे सहायक हुए ना बरम तार जीवन बर्धन पथ को अवरुद्ध कर दिए किंतु से भावु थाए जे से ठीक करुची से उचित करुची से उचित पथरे अच्छी धर्म करिबा नाम रे से जो अधर्म करुची से कथा मनीष जानिपारे ना तेणु धर्मस्य तत्त्वम् निहित गुहायम् महाजन जेन कतस्य पन्था तेणु धर्मर तत्व को बुझीबा एत सहज कथा नुहे तेणु से इष्ट गुरु पुरुषोत्तम जेते बेले नर रूप से धरावतरण करती सेते बेले धर्मर प्रकृत रूप मनीष सम्मुख से तोली धरती तेणु जो माने तांकु जीवन रे ग्रहण करती से माने धर्मर प्रकृत रूप को चिन्ह पारती जानी पारती प्रकृत जीवन बर्धन पथ कौन से अवगत हुंती एवं से पथरे से माने चली
जीवन रे समृद्ध होंगे नचे मनिषर जीवन को अंधकार भितरे तिरोहित हो जाए तार कौनसी ठिकणा न था। गोटे छोटिया गल्पर अवतारणा करने मु प्रयास करी गोटे बलद पछरे जन व्यक्ति दौड़ुछन्ति से बलद को थरिबा पई खरा दिन बलद मध्य प्राण विकल रे दौड़ुचि ए व्यक्ति धई सही हे केदार्थ तुषार्थ हे गोटे गोटे गछ तले थका मारी बसी पड़ती देखती पाखरे गोटे घर अच्छी से घर को जाए किसी खाईवाई पीवाई से जाचना करती से घर जे व्यक्ति तथाकथित भाव से धार्मिक लोक जेहेतु गोटे क्षुदार्त तुषार्थ मनीष तार द्वारस्थ होेणु से खावा दिंती पीवा को दिंती से मन मन भावती जे यहाद्वारा धर्म हो लोक खाइला पीला सुस्थ हो तार शरीर रे शक्ति संचरण हो से पूर्वापेक्षा जोर रे दौड़ी बलद को धरी कंसई खाना को नहीं बिक्री करी कंसई खाना रे से गाई को बध करा जाई तार मांस को बिक्री करा जाई किछि वर्ष परे से तथाकथित धार्मिक लोकटी वृद्ध हो तार मृत्यु हो जमदूत माने आसी ताकु जमराजा पाखक नहीं जाइछंती चित्रगुप्त कहउछंती जे ये व्यक्ति गोहत्या दोष रे दुष्ट तेणु ताको सैमाफिक दंड विधान करा जाओ से व्यक्ति अत्यंत काकुति मिनती है कहुची जे हजूर मु मो जीवन रे गोटे छोटिया प्राणी को मध्य बध करी नाही गोहत्या तो बहुत दूर कथा तापर चित्रगुप्त ताको बुझे दउछंती से दिन कथा तुम्हें जदि से लोक को से दिन खाइबा खाइबा को एवं पीवा को देइ न थांत तार भितर शक्तिर संचरण हो न थांता आ बलद को धरी कंसईखाना बिक्री करी तार बधर कारण हो न थांता तेणु से कंसईखाना व्यक्ति से गोहत्या जिते दायी ताठारु बरम अधिक गुण रे तुम्हें दायी से गोहत्या से शास्त्र कहूँ धर्मस्थ तत्त्वम निहित गुहायम महाजन जेन कतस्य पंथा तेणु धर्म को बुझीबा धर्म को जानिबा सहज व्यापार नुहे आमे हुए तो अनेक समय रे जहाँ करू भावु आमे धर्म करूचु किंतु धर्म नाम रे आमे जे व्यभिचार करू थाउ से कथा किंतु आमे जानी पारुनु किंतु तार फल आमे को भोगीबा को हुए तेणु इष्ट गुरु पुरुषोत्तम जेतेबेले आसंती सेतेबेले धर्म रो प्रकृत रूप आम समस्त सम्मुख रे तोली धरंती सेइथिपाई सेदिन कबीर साहेब कहउछन्ति गुरुंकर महत्व को प्रकाश करिया पई जाई कबीर साहेब कहउछन्ति गुरु गोविंद दौ खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया मिला से कहउछन्ति गुरु एवं गोविंद आपण दी जन ठिया हेइछन्ति एबे आपणक मध्यरे बड़ किए गुरु किए श्रेष्ठ श्रेष्ठ होउछन्ति गुरु कारण से गोविंद को पाइबार पथ बतई दिंती मनीष जहां को पाइले मनीषर जीवन उन्नत हुए समृद्ध हुए विवर्तित हुए मनीष सुख शांति आनंद तार जीवन टा भरपूर हो जाए से पथटा गुरु बतई दिंती तेणु भागवत मध्य कहते जे जे जन गुरु बिना गोविंद भजे से जन नरक भजे तेणु गुरु को बाद दे जे गोविंद भजे से जो बर्नाड शॉ कहले Be aware of them whose God is in the sky. तेणु से आकाशर भगवान को जो मैंने उपासना करती से लिविंग आईडियल जीवंत आदर्श को जो मैंने जीवन में ग्रहण करती ना से निजर वृत्ति प्रवृत्ति द्वारा ही परिचालित हमर वृत्ति प्रवृत्ति हिं गुरु हुए वास्तविक भाव तेणु जन जीवंत आदर्श दरकार जी कि आम जो कि भल करू ताल आमको उत्साहित करती आम को साबासी दिंती एवं तांकर द्वारा प्रेरणा पुष्ट हो प्रेरित हो आम सत्पथ चलार आग्रह उद्दीपना आम भितर सृष्टि हो पारे एवं जदि किसी खराब कम करू जदि किसी भूल कम करू एपरी किसी कम करू जहाँकि आम जीवन बर्धन सहायक नुहे
ସେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ଠୋକର ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନର ପ୍ରକୃତ ପଥ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ଦରକାର, ଗୁରୁ ଦରକାର, ଇଷ୍ଟ ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ଗୁରୁବାଦ, ଏଇ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଆମର ଭାରତୀୟ ମାଟିରେ ଏ ପବିତ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତରେ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଚାଲି ଆସିଛି, କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାଦ, ଏଇଟା ହଉଛି ମଣିଷର ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାଦ। ଏ ଗୁରୁବାଦ ବ୍ୟତିରେ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଦରକାର। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ସେଦିନ ପୂଜ୍ୟ ବିଜୟ ଦା ସେ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ରେବତୀ ଦା ସେଦିନ ଯେଉଁ ଆମେରିକା ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର PhD କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଫେସର କୋଲ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେ ମିଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱାସ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ତିନୋଟି ଭଗବାନ, ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର, ଏହା କିପରି ବିରୋଧାଭାସ? ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେଦିନ ପୂଜ୍ୟ ରେବତୀ ଦା କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଫେସର କୋଲ, ଆପଣ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଫେସର କୋଲ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ କୋଲ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ପାଖରେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଡେଡି କୋଲ, ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଭେଦରେ ଆପଣଙ୍କର ତିନୋଟି ପରିଚୟ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେପରି ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ହି ଇଜ୍ ଦ ଜେନେରେଟର, ବିଷ୍ଣୁ ସେ ଯେ ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ହି ଇଜ୍ ଦ ଅର୍ଗାନାଇଜର, ଆଣ୍ଡ ମହାଦେବ ବା ଶିବ ଯିଏକି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟର ବା ସଂହାରକର୍ତ୍ତା। ଡେଷ୍ଟ୍ରୟର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବସତ୍ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ନା, ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନର ଅପରିପନ୍ଥୀ ଯାହା ଅଛି, ଯୋଉ ବିକୃତି ଅଛି, ଯୋଉ ବୈକଲ୍ୟ ଅଛି, ତାହାକୁ ହିଁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ମଣିଷକୁ ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନର ପଥର ପଥିକ କରି ତୋଳନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଡ୍, ସେ ହେଉଛି ସେଇ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ବ୍ରହ୍ମ, ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାଙ୍କର ସାକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଇଷ୍ଟଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପରେ, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଳି ଆପୂର୍ବମାଣ ପ୍ରୀତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଯିଏ ସେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବରଣୀୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇସି ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କଠାରେ ହିଁ ପ୍ରକଟିତ, ସେ ହିଁ ମଣିଷ ଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଇଷ୍ଟ, ସେ ହିଁ ଆଦର୍ଶ, ସେ ହିଁ ମଣିଷର ଜୀବନ ଶ୍ରେୟ, ସେ ହିଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଲୋକନିୟନ୍ତା, ସେ ହିଁ ପ୍ରକଟ ସତ୍ୟ ପ୍ରକଟ ଶିବ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସତ୍ତା ପୋଷଣୀ ପ୍ରଭା ତାଙ୍କଠାରେ ହିଁ ସ୍ଫୁରିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ ତାଙ୍କର ହିଁ ଶରଣ ନିଅ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଅ, ଜୀବନକୁ କର୍ମଠ ତତ୍ପରାୟଣ ଦେଇ ତଦର୍ଥ ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ଚାଲ, ଯୋଗ୍ୟତାର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ନେଇ, ସେ ହିଁ ତୁମ ଜୀବନର ସ୍ୱଭାବ ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଉଟନ୍ତୁ, ତମେବ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛ ସର୍ବଭାବେନ ଭାରତ, ତତ୍ ପ୍ରସାଦାତ୍ ପରାଂ ସନ୍ତି ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ସି ଶାଶ୍ୱତ, ତା ନହେଲେ ତୁମର ଜୀବନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବ୍ୟାକୁଳ ହିଁ ଚାଲିବ ହିଁ, ଦିନ ବ୍ୟାହତିର ଇନ୍ଧନରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ, ତାହା ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ ବି ହୁଅ, ଯେତେ ଛୋଟ ବି ହୁଅ, ସେହି ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନର ଜୀବନାଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ, ସେହି ଅଗ୍ନିମୁଖ, ସେହି ଲୋକନିୟନ୍ତା, ସେହି ଇଷ୍ଟଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଭିତର ଦେଇ, ଭକ୍ତି ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ତିତିକ୍ଷାର ଭିତର ଦେଇ, ଅନୁରାଗର ଭିତର ଦେଇ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପରିପୂରିତ କରି ଚାଲିବା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱସ୍ତି, ତାଙ୍କର ତୃପ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଯଦି ଆମର ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଧ୍ୟେୟ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍ଥକ ସୁନ୍ଦର ହେଉଥିବ, ଏଥିରେ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସେ ଗୁରୁବାଦର କଥା, ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପାଇଁ, ସେ ହିନ୍ଦୁ ହଉ, ମୁସଲମାନ ହଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ, ଯେ ବା ଯାହା ବି ହଉ ନା କାହିଁକି,
ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇପାରେ, ଡାକ୍ତର ହେଇପାରେ, ପ୍ରଫେସର ହେଇପାରେ, ସୁଇପର ହେଇପାରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରେ, ସନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରେ, ଯନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ହି ମେ ବି। ସେ ଓଡ଼ିଆ ହେଇପାରେ, ଅସମିଆ ହେଇପାରେ, ବଙ୍ଗାଳୀ ହେଇପାରେ, ବିହାରୀ ହେଇପାରେ, ଗୁଜରାଟି ହେଇପାରେ, ପଞ୍ଜାବୀ ହେଇପାରେ, ସେ ଆମେରିକାନ ହେଇପାରେ, ଜର୍ମାନ ହେଇପାରେ, ଜାପାନ ହେଇପାରେ, ଯିଏ ଯାହା ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଏକମାତ୍ର ପରିଚୟ ହେଉଛି ମଣିଷ। ଏବଂ ମଣିଷ ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଧରି ତାଙ୍କର ପଥରେ ଚାଲି ଆମର ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ ସୁନ୍ଦର କରି ତୋଳିବା। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା।